इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। जब सारा जमाना साथ लेकर चलने की ख्वाहिश हो, तो आपको आम जिंदगी को छोड़कर सारी जिंदगी जन सेवा में बितानी पड़ती है। ये ऐसी तपस्या है जो हर किसी के बस की नहीं। वो विरले ही पुरुषार्थी होते हैं जो अपने कर्मों के बल पर सुखों की भागीरथी आम जन के लिए आसमान से भी उतार लाते हैं। अब भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन को ही होम क्यों न करना पड़े, दुनिया में अपना निज स्वार्थ साधने वाले लोगों के बीच आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ रूप से कृत संकल्प है अपने आसपास कुछ बेहतर कर गुजरने के लिए, और ये वो लोग हैं जिन्हें जमाना अदब से देखता है। ऐसे ही एक शख्सियत जिसने अपने जीवन को लोकार्पित कर दिया ताकि उसके आसपास के लोग खुशहाल हो सके, उनकी इस जिद को देखते स्थानीय ग्रामवासियों ने उनको सरपंच के पद की दावेदारी पर खड़ा किया और बहुमत से जिताया। इसके बाद उस शख्स ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हर दिन हर पल समाज के नाम लिखकर वो हर क्षण विकास की एक नई इबारत लिखता जा रहा है और आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति को स्वच्छ राजनीति की भाषा समझाने जा रहे इस शख्स का नाम है जसवंत राज मेवाड़ा। देखिए बाली के सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा के संघर्ष की गाथा हमारे साथ सिर्फ सत्यमेव न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुरैना में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता। सांचौर में चोरों ने मंदिर से चुराया दान पात्र, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। करौली में शौचालय निर्माण में घोटाला आया सामने, राजस्थान गौरव यात्रा में प्रतिनिधि मंडल करेगा सीएम से कार्रवाई की मांग। और भिंडर में मुख्यमंत्री की सभा 10 अगस्त को होगी, सीएम की सभा की तैयारियों को लेकर पांडाल का चल रहा है काम। और अब खबरें विस्तार से। करौली में शौचालय निर्माण में जिले भर से शिकायतें आ रही हैं कि प्रति शौचालय 2000 रुपए की वसूली की गई है, लेकिन किसी न किसी की नहीं सुनी। आखिरकार मामला जग जाहिर हो गया तब प्रशासन के अधिकारियों की नींद खुली, जब कहा कि जांच करवाई जाएगी। मामला करौली पंचायत समिति के खोरी ग्राम पंचायत का है, जहां पर सबसे पहले सरपंच ने चुनाव का नामांकन भरते समय शपथ पत्र भरा कि घर में शौचालय है, और वहीं सरपंच ने शौचालय की राशि उठाई, जिसकी शिकायत नरसी राम मीना खोरी ग्राम पंचायत ने सुगम समाधान पर की, जिसको प्रशासन के अधिकारियों ने गोलमाल कर दिया। वहीं इसको ज्यादा समय नहीं गुजरा जब तक दूसरा विवाद सामने आ गया। कहते हैं कि चोर चोर आपस में लड़ते हैं तो शांत आ जाती है। वहीं घोटालेदारों की लड़ाई में दूसरा घोटाला भी सामने आ गया। मामला है कि शौचालय निर्माण में बड़ा घपला किया गया है, सरकारी राशि को हड़प लिया गया है, वहीं जिसमें पंचायत से लेकर उच्च लेवल तक मिली भगत बताई जा रही है, जिसमें शौचालय निर्माण की राशि को हकदार को नहीं देकर अपने चहेते या फिर रिश्तेदारों के खाते में डाला गया है। तो जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है, मैंने जो देखा है, इस प्रकार का मैटर मेरे सामने अभी तक कोई आया नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद भी प्रत्येक व्यक्ति को जो भी मेरे पास है शौचालय की राशि के लिए आता है तो SBM शाखा में जाकर के स्वयं स्वच्छ भारत मिशन शाखा में जाकर के मैं स्वयं उनकी मॉनिटरिंग करता हूँ, उनके खाते नंबर लेकर के मिलान करवा करके और बेस लाइन और आधार संख्या मिलान करके स्वयं मैं पैसे डलवाता हूँ वहाँ बैठ कर। जी बिल्कुल, मामला सबूत शुदा है, अगर इसमें मामला सही पाया जाता है तो क्या कार्रवाई? सही पाया जाता है दोषी जो भी है, अधिकारी कर्मचारी जो भी
पूर्व अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिनके पास ये चार्ज था या है या वर्तमान में है या पहले था। कितने दिनों के अंदर कार्रवाई रहेगी? जैसे मामला मेरे सामने आएगा उसके विदिन 15 दिन में हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। मुरैना के जौरा विधायक सूबेदार सिंह पर लगभग 20 वर्ष पहले सरकारी जमीन हड़पने का आरोप पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा ने लगाया है। पूर्व विधायक ने जो आवेदन मंगलवार को कलेक्टर भरत यादव को सुपोर्ट किया उसमें कहा है कि वर्तमान विधायक सूबेदार सिंह जब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने पटवारी हल्का क्रमांक 22/2 में सर्वे क्रमांक 422 पर औकाफ की सरकारी 5 विश्वास जमीन 60 गांठ से मार्केटिंग सोसाइटी की मलकियत में ले ली थी। उसके बाद उस पर अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण भी करा दिया। जब ये जमीन मार्केटिंग सोसाइटी को गोदाम की लीज पर दी गई थी। आवेदन में कहा गया है कि इस प्रकरण की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। रानी उपखंड क्षेत्र के नगर पालिका परिसर में फैली गंदगी को लेकर शिवसेना के प्रभु सिंह राव चाचौड़ी की अध्यक्षता में नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रभु सिंह राव ने बताया कि नगर पालिका परिषद और क्षेत्र में फैली गंदगी जल भराव वाली जगहों को चिन्हित कर वहां की सफाई करवाई जाएगी। वहीं बारिश के दिनों में जगह जगह जल भराव और कीचड़ से मच्छर पैदा होने से मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिन्हित जगहों पर कूड ऑयल और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाए। इस अवसर पर शिवसेना उप जिला प्रमुख मगाराम, जिला सह सचिव कालू सिंह सहित क्षेत्र के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हुकुमचंद कांटा बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष शहर बीकानेर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट असद रजा भाटी, जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बीकानेर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं मित्रगण आबू रोड की तरफ से निखिल कुमावत को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सिरोही जिला मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं जयप्रकाश शर्मा, ऑनर ऑफ जय मोटर्स सुजुकी, करौली रोड गणेश रिसोर्ट के पास हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान, आप सभी क्षेत्रवासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं अपने शोरूम से सैकड़ों बाइक सेल कर चुका हूं और मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार हमारे शोरूम जय मोटर्स सुजुकी पर पधार कर हमें सेवा का मौका दें। सुजुकी का शोरूम, अपनी सुजुकी की गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, गणेशम होटल के पास में करौली रोड हिंडौन सिटी। अब इसको खोले हुए 1 साल हो गया है और काफ़ी अच्छी सेल है इसकी, है सैकड़ों गाड़ी निकल चुकी है। धन्यवाद। जय मोटर सुजुकी, करौली रोड गणेशम रिसोर्ट के पास हिंडौन सिटी बाईपास चौराहा। नमो नमो मोर्चा भारत की ओर से आनंद राज जी को प्रदेश अध्यक्ष युवा शाखा राजस्थान के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 25% प्रवेश निशुल्क, उत्कृष्ट शिक्षण हेतु धौलपुर जिले की बेहतरीन फैकल्टी, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान वाणिज्य और कला वर्ग उपलब्ध। तो आज ही आए राज सिंह परमार द्वारा संचालित GS EVM स्कूल में और अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9983-09-64334। संगरिया में सैकड़ों नरेगा श्रमिकों ने पंचायत समिति पर धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा मेट यूनियन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गांव ढाबा बोला वाली के सैकड़ों नरेगा
मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे शुरू हुए धरने दोपहर करीब 3 बजे वीडियो के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गया। मजदूरों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने, कार्यस्थल पर मजदूरों को मेडिकल सुविधा सहित अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस मौके पर बोलते हुए नरेगा यूनियन प्रदेश अध्यक्ष रमेश परिहार, राम कुमार नुरेका, शिव भगवान लाल सरपंच गुरपास बराड़ा ने कहा कि नरेगा श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए। रानी उपखंड के खिवाड़ा कस्बे के राजकीय विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2018 का शुभारंभ प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र जाट और सरपंच मोहन आचार्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बाबा शाह सुखा राम केसरा राम परमार द्वारा 51 जरूरतमंद विद्यार्थियों को विद्यालय यूनिफॉर्म वितरित किए गए। वहीं सरपंच मोहन आचार्य ने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के गुण भी बताए। राजस्थान गौरव यात्रा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में औसिया मुख्यालय पर 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। यात्रा के पहुंचने से पूर्व और होने वाली आम सभा को सफल बनाने को लेकर मांडियाई खुर्द स्थित विधायक आवास पर भाजपा पार्टी के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक चर्चा कर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने कहा कि कार्यकर्ता प्रदेश में विकास यात्रा को आगामी समय में भी जारी रखने के लिए अभी से जुट जाए। जनता के लिए किए गए विकास कार्यों के आधार पर भाजपा पुनः सत्ता में वापसी करेगी। जोधपुर के आओ कस्बे में पद स्थापित पटवारी के स्थानांतरण पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ विदाई दी। आओ में बुधवार को पटवारी मनीष कुमार विश्नोई का लोहावट विश्वावास में स्थानांतरण होने पर ग्रामीणों द्वारा विदाई दी गई। विदाई के पश्चात ग्रामीणों ने आओ में पद स्थापित करने वाले पटवारी महिपाल डारा का माला पहनाकर स्वागत किया। इस पर बाबड़ी नायब तहसीलदार रमेश कुमार सुंदेशा, आओ नायब तहसीलदार देवाराम सहित कई लोग उपस्थित रहे। बुलेटिन में रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। हुकुम चंद काटा बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष शहर बीकानेर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट असद रजा भाटी जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बीकानेर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं मित्रगण आबू रोड की तरफ से निखिल कुमावत को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सिरोही जिला मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं जयप्रकाश शर्मा, ऑनर ऑफ जय मोटर्स सुजुकी, करौली रोड गणेश रिसोर्ट के पास हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान। आप सभी क्षेत्रवासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं अपने शोरूम से सैकड़ों बाइक सेल कर चुका हूं, और मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार हमारे शोरूम जय मोटर्स सुजुकी पर पधारकर हमें सेवा का मौका दें। शर्मा, सुजुकी का शोरूम अपनी सुजुकी बड़ी अच्छी चल रही है, गणेशा होटल के पास में करौली रोड हिंडौन सिटी। अब इसको खोले हुए 1 साल हो गया है और काफ़ी अच्छी सेल है इसकी, है सैकड़ों गाड़ी निकल चुकी है। धन्यवाद। जय मोटर्स सुजुकी, करौली रोड गणेशम रिसोर्ट के पास हिंडौन सिटी बाईपास चौराहा। नमो नमो मोर्चा भारत की ओर से आनंद राज जी को प्रदेश अध्यक्ष युवा शाखा राजस्थान के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 25% प्रवेश निशुल्क, उत्कृष्ट शिक्षण हेतु धौलपुर जिले की बेहतरीन फैकल्टी, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान वाणिज्य और कला वर्ग उपलब्ध। तो आज ही आएं
राज सिंह परमार द्वारा संचालित जीएस ईवीएम स्कूल में और अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9983096433। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर मुरैना से। मुरैना में बागीचीनी थाना क्षेत्र के रामसिंहपुरा में एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शव का पोस्टमार्टम आज और अस्पताल में किया गया। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय सुधा पत्नी गौरव सिकरवार कई दिनों से परेशान थी। बताया जाता है कि अधिक तनाव में आकर सुधा ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद घटना की सूचना बागचीनी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। अभी तक सुधा के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की 7 सितंबर को बीकानेर में आयोजित होने वाली राजस्थान गौरव यात्रा की तैयारियों को आज बीजेपी देहात की ओर से कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गौरव यात्रा को सफल बनाने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिक से अधिक लोगों को यात्रा में शामिल करने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में देहात अध्यक्ष सही राम दुसाद, प्रवक्ता अशोक भाटी सहित पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग है, इसमें सभी पदाधिकारियों को और दायित्ववान कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही है, उससे पहले पार्टी के जितने भी कार्यक्रम आए हैं उनको बड़ा ही प्रभावी ढंग से हमें करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा आम जन की यात्रा बने, आम आदमी की यात्रा बने, उस दिशा में हम सब लोगों को मिलकर कार्य करना है और ज्यादा से ज्यादा यात्रा को सफल बनाना है। सांचौर के निकट स्थित अति प्राचीन हनुमान जी मंदिर गोलासन में एक बार फिर चोरों ने मंदिर से दान पात्र को उठाकर लेकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दान पात्र तोड़कर उसमें रखी दान की राशि को चुरा ले गए। ट्रस्ट ने मंदिर में हुई चोरी की घटना का मुकदमा सांचौर पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। बूंदी नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने से आयुक्त अरुणेश शर्मा के सामने अपना विरोध जताया और 3 माह से रुके हुए भुगतान की मांग की, जिस पर शर्मा ने बताया कि वर्तमान में नगर परिषद के पास बजट का अभाव है। नगर परिषद को संपूर्ण कार्य चलाने के लिए हर माह 50 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था करने में ही बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बजट के लिए स्वायत्त शासन विभाग को लिख दिया है, जल्द ही सभी कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन दे दिया जाएगा। चंद काटा बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष शहर बीकानेर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट असद रजा भाटी, जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बीकानेर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं मित्रगण आबू रोड की तरफ से निखिल कुमावत को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सिरोही जिला मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं जयप्रकाश शर्मा, ऑनर ऑफ जय मोटर्स सुजुकी, करौली रोड गणेश रिसोर्ट के पास हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान, आप सभी क्षेत्रवासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं अपने शोरूम से सैकड़ों बाइक सेल कर चुका हूँ और मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार हमारे शोरूम
जय मोटर्स सुजुकी पर पधारकर हमें सेवा का मौका दें। सुजुकी का शोरूम, अपनी सुजुकी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, गणेशा होटल के पास में, करौली रोड, हिंडौन सिटी। अब इसको खोले हुए 1 साल हो गया है और काफ़ी अच्छी सेल है इसकी, है ये सैकड़ों गाड़ी निकल चुकी है। धन्यवाद। जय मोटर सुजुकी, करौली रोड, गणेशम रिसोर्ट के पास, हिंडौन सिटी बाईपास चौराहा। नमो नमो मोर्चा भारत की ओर से आनंद राज जी को प्रदेश अध्यक्ष युवा शाखा राजस्थान के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 25% प्रवेश निशुल्क। उत्कृष्ट शिक्षण हेतु धौलपुर जिले की बेहतरीन फैकल्टी। कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग उपलब्ध। तो आज ही आए राज सिंह परमार द्वारा संचालित जीएस ईवीएम स्कूल में और अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9983-096434। झुंझुनू में आज सीकर रीजन की सबसे बड़ी बोली लगी और गाड़ी का नंबर लेने के लिए 8,65,000 रुपए की कीमत लगाई गई। बोली के बाद जब गाड़ी मालिक का भाई बाहर आया तो मीडिया के पूछने पर उसने एक लाइन में अपनी जरूरत बताया और कहा कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। उसके पास पहले भी 3 गाड़ियां हैं, तीनों के ही नंबर 0001 है ना। इस बोली में एक खास बात ये रही कि जिस गाड़ी के ये नंबर हैं उसके लिए मालिक 8,65,000 रुपये खर्च कर रहा है। उस गाड़ी की कीमत भी उसके लगभग बराबर 10,25,000 रुपये है, यानी कि केवल और केवल एक नंबर ने इस गाड़ी की पूरी कीमत को 2 गुना के करीब कर दिया है। जिला परिवहन कार्यालय में RJ18CE की सीरीज को चालू किया गया है। उसमें एक नंबर के लिए 5 दावेदारों ने अप्लाई किया था, उसमें से आज दिनांक 8/8/16 को इसकी बोली लगी। इसमें 1,01,000 रुपये तो मिनिमम फीस होती है, इसके अलावा 2 लाख से बोली स्टार्ट हुई और 8,65,000 में सुशील कुमार सनोबर देवाराम चिड़ावा क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने वरना गाड़ी पे ये एक नंबर दिया। वरना गाड़ी है, जयपुर से गाड़ी ली थी हमने, झुंझुनू के अंदर एक नंबर के लिए सर्वाधिक बोली लगा के एक नंबर ली है, 8,65,000 रुपये, 5 लोगों की बोली, 5 कमेटी है। एक नंबर का शौक रखता हूँ, पहले मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ उनकी, सबकी एक नंबर है। शौक की कोई कीमत होती है क्या? ये मेरे बड़े भाई के नाम से, सुभाष चंद्र लांगड़ के नाम से। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा शुक्रवार को दोपहर 12 बजे भिंडर आएगी। इसकी तैयारियों को लेकर वल्लभ नगर से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह भिंडर जोर शोर से कर रहे हैं। बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी भिंडर पहुंची और वल्लभ नगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर के साथ पंचायत समिति में आधा घंटा रुकी। सीएम की सभा की तैयारियों को लेकर पांडाल का काम भी जारी है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। जब सारा जमाना साथ लेकर चलने की ख्वाहिश हो तो आपको आम जिंदगी को छोड़कर सारी जिंदगी
जन सेवा में बितानी पड़ती है। ये ऐसी तपस्या है जो हर किसी के बस की नहीं। वो विरले ही पुरुषार्थी होते हैं जो अपने कर्मों के बल पर सुखों की भागीरथी आम जन के लिए आसमान से भी उतार लाते हैं। अब भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन को ही होम क्यों न करना पड़े, दुनिया में अपना निज स्वार्थ साधने वाले लोगों के बीच आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ रूप से कृत संकल्प है अपने आसपास कुछ बेहतर कर गुजरने के लिए, और ये वो लोग हैं जिन्हें जमाना अदब से देखता है। ऐसे ही एक शख्सियत जिसने अपने जीवन को लोकार्पित कर दिया ताकि उसके आसपास के लोग खुशहाल हो सके, उनकी इस जिद को देखते स्थानीय ग्रामवासियों ने उनको सरपंच के पद की दावेदारी पर खड़ा किया और बहुमत से जिताया। इसके बाद उस शख्स ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हर दिन हर पल समाज के नाम लिखकर वो हर क्षण विकास की एक नई इबारत लिखता जा रहा है और आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति को स्वच्छ राजनीति की भाषा समझाने जा रहे इस शख्स का नाम है जसवंत राज मेवाड़ा। देखिए बाली के सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा के संघर्ष की गाथा हमारे साथ सिर्फ सत्यमेव न्यूज़ पर।